Good morning, students. How are you? Myself, Hobik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, how are you? I am fine and hope you are all fine. And in the last few lectures, we had discussed many more things regarding set, okay? And we had discussed many concepts and many things regarding the set chapter, okay, for class 11. So, today we will discuss two more important properties, and that is the distributive property and the De Morgan's law of the set. Okay, so in the last lecture we had discussed about commutative property and the associative property for class 11 set chapter. Okay, so in this lecture we will discuss these two properties more, which are very very important for the board exams, that means your final exams, your school level exams, and in the other concepts, in the other theories. Just you will see this type of properties used to be there purportedly, and so that means just to you, I am trying to provide more and more knowledge regarding the different properties, regarding the different concepts of a particular chapter. So without wasting our time, shuru karte hain, okay, just start, okay. Chalo, sabse pehle jo property hai, hum log kaun sa property aaj discuss karenge. फर्स्ट एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा बात है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. और दूसरा है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट सेट का जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी यूज होता है, ठीक है. अच्छा चलो भाई शुरू करते हैं. सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अच्छा एक चीज़, ये जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. हाँ, कुछ सेट का नोटेशंस यहाँ पर यूज होता है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट आर नॉट न्यू. ओके, जैसे हम लोग जूनियर क्लास में करते हैं, देखो 2 इंटू, ये ब्रैकेट मतलब 3 इंटू है, 3 प्लस 5. अगर ऐसा एक्सप्रेशन मेरे पास है, कैन आई राइट दिस लाइन 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, एम आई राइट? ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं. अच्छा यहां पर बोलोगे, अच्छा 2 इंटू x प्लस y, सपोज ऐसा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू x प्लस 2 इंटू y. तो इसी को ही हम लोग लिखते हैं ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y, है कि नहीं, ठीक है ना. सो दैट मीन्स ये जो स्टाइल है, ये जो पैटर्न है सॉल्व करने का, उसी पैटर्न को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. यहां पर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर. यहां पर देखो मल्टीप्लीकेशन, दोनों साइड में मल्टीप्लीकेशन है, उसको स्प्लिट किया गया बाय यूजिंग द साइन प्लस, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है. तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव का कॉन्सेप्ट. और जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि जब आप ये सब प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे तब ये सब साइंस यूज होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, जस्ट लाइक दैट. यूनियन मतलब और होता है, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके. अच्छा चलो भाई शुरू करते हैं. जैसे लेट ए एंड बी एंड सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब खाली नहीं है, ठीक है. नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब क्या है, खाली नहीं है, दैट मीन्स कटोरा जो है ना वो भरा हुआ है, कुछ ना कुछ है, भरा ना भी हो कुछ ना कुछ है. अगर कटोरा खाली होता है तो एम्प्टी बोला जाता है, अगर खाली नहीं है तो नॉन एम्प्टी. थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है. तो पॉइंट नंबर 1, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पर तुम उसके साथ ये कंपेयर कर सकते हो, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसा ही हुआ है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये है दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, हम लोग एक प्रूफ करेंगे, एक आप लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो नाउ यू विल सॉल्व दिस टू, ठीक है, इंटरसेक्शन है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम लोग यही करेंगे। तो ये चीज आपको प्रूफ करना है। सो फॉर प्रूविंग एनी कॉन्सेप्ट जस्ट यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू एज्यूम सम एलिमेंट व्हिच इज बिलोंग्स टू द गिवन सेट, ओके। सो लेट, ऐसे लिखो, लेट एक सेट है, सॉरी एलिमेंट है एक्स जो इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैंने बोला था अगर आप इंटरसेक्शन को हटाना चाहते हैं तो आप एंड लिखेंगे, यूनियन को हटाना चाहते हैं तो आप और लिखेंगे, क्यों, व्हाई, व्हाई, क्योंकि इंटरसेक्शन में आने के लिए दोनों सेट के अंदर एलिमेंट होना चाहिए, ए सेट में भी होगा बी सेट में भी होगा तब जाके कॉमन आएगा, तो इसलिए एंड यूज किया गया है। तो दैट मीन्स एक्स जो एलिमेंट है वो ए सेट में भी होना चाहिए एंड बी सेट में भी होना चाहिए तब जाके इंटरसेक्शन बनता है। बट यूनियन केस में केस थोड़ा उल्टा है, यूनियन केस में क्या होता है, जो एलिमेंट है वो ए सेट में भी रह सकता है और बी सेट में भी रह सकता है, देन मीन्स दोनों में, दोनों सेट में से कोई भी एक सेट में बिलोंग हो जाए तो वो एलिमेंट यूनियन में आएगा। अब बोलोगे सर दोनों सेट में हो जाए तो, हाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेट में भी हो सकता है, सिर्फ ए सेट में हो सकता है, सिर्फ बी सेट में हो सकता है, दैट मीन्स यहां पर एक ऑप्शंस पैटर्न आ गया, दैट मीन्स और केस आ गया ना, इसलिए यूनियन को और से डिनोट किया जाता है। नाउ यू कैन राइट, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और इस यूनियन इंटरसेक्शन को हटा के मैं एंड लिख सकता हूं, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इसको अगर मैं तोड़ू तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, ओके। सो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड अच्छा यहां पर मुझे ये चीज बोलो, नाउ यू शुड कंसिडर दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना इसको आप कंसिडर करिए। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी ब्रैकेट में रखो, फिर और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, मुझे आप बोलो ये चीज मैंने सही लिखा है कि नहीं, जस्ट ट्राई टू सी दिस पार्ट। आप एंड को मल्टीप्लाई ले लीजिए और को प्लस ले लीजिए। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, इसको देखो और इसको ऐसे उसको सोचो, उसको 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, है कि नहीं। तो यहां पर इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, बीच में एंड है भाई, दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, देखो दो अलग अलग निकल गया, बीच में और है, अब और को हटाएंगे तो क्या आएगा रे भाई, यूनियन आएगा, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, यूनियन और को हटा के यूनियन लिख दिया और इधर ए इंटरसेक्शन सी, बस हो गया। तो मैंने एक चीज आप लोगों को बोला था, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट दो अलग अलग सेट में बिलोंग करता है तो एक जो दोनों सेट है ना एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे का सबसेट होता है। सो यहां पर क्या होगा, ये जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा है ना, ये सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, हो गया। अब ठीक उल्टा करेंगे, ठीक उल्टा उसका करेंगे, कन्वर्सली, कन्वर्सली ठीक उल्टा करेंगे। अब क्या करेंगे, एक एलिमेंट हम लोग लेंगे, किसमें लेंगे भाई, इसमें लेंगे उल्टा। दैट मींस पहले हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लिया है, अब राइट हैंड साइड से आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है कि नहीं। अब यहां पर देखो, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है, दैट मींस और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अब हर जगह देखो इंटरसेक्शन है, दैट मींस एक्स बिलोंग्स टू, अगर मैं इसको तोड़ू सिर्फ इसको तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अरे भाई ए और बी दोनों में बिलोंग करता है, तभी तो ये इंटरसेक्शन में आया है, ठीक है नहीं। और एक्स बिलोंग्स टू ए फिर एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है हाँ। अब हम लोग उल्टा आ रहे हैं ना, देखो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, 2 इंटू ये इंटू है, एंड मतलब इंटू है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, ठीक है। अब ऐसा अगर स्ट्रक्चर आया, दोनों में से 2 कॉमन आता है ना, 2 कॉमन आने के बाद कौन सा साइन बैठेगा रे भाई, मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स उल्टा आ रहा है ना। तो यहां पर देखो क्या कॉमन आता है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमन आता है कि नहीं, फिर इसके बाद कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या है, एंड, तो बिठाओ एंड, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, तो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो इसको हम लोग बी यूनियन सी लिख सकते हैं, बस हो गया, तो उल्टा प्रूफ आ गया ना। सो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए बी यूनियन सी, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर ये 1 है और ये 2 है, कंबाइनिंग 1 एंड 2, जस्ट लिखो कंबाइनिंग 1 एंड 2, अगर दोनों को कंबाइन करें, दोनों को इक्वल लिख दो, बस हियर इट इज योर प्रूफ, दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग 1 एंड 2 यू विल गेट द प्रूफ, ठीक है। मतलब एक दूसरे का सबसेट, अगर ए एक्स वाई का सबसेट है और वाई एक्स का सबसेट है, तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, इसका मतलब क्या होता है, एक्स और वाई दोनों इक्वल है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी, इट इज डिस्कस्ड, ओके। तो यहां पर देखो ये जो है ना, इसका सबसेट है, अब उल्टा आ गया, ये इसका सबसेट है, तो दोनों को कंबाइन करें तो दिस इक्वल्स टू दिस, यू कैन प्रूफ, ओके। नाउ ये सेकंड वाला हम लोग का हो गया है, फर्स्ट वाला आपको का होमवर्क रहेगा, होमवर्क करके मुझे दिखाएंगे आप लोग, ठीक है, ओके ठीक। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे, वो है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, हाँ यहां पर भी एबीसी सेट चाहिए, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स देन पॉइंट नंबर 1, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से हम लोग करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस फिर से करेंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब है, कॉम्प्लीमेंट इस चीज का मतलब होता है कि सपोज आपके पास एक बड़ा सेट है, उसको यू यूनिवर्सल सेट, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सपोज। एक छोटा सा सेट है ए 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि मुझे देखना है कि दोनों सेट के बीच, दैट मीन्स ये सेट और ये सेट, दोनों सेट के बीच कॉमन क्या क्या एलिमेंट्स हैं। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। देखो दोनों एलिमेंट्स में ये चार एलिमेंट्स कॉमन है दोनों सेट में, ये चार एलिमेंट्स को छोड़ के ये जो बड़ा सेट है ना उसमें जो जो एलिमेंट्स बाकी है वही होता है ए कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स 1, 6 एंड 7। तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। सो दैट मीन्स इससे क्लियरली मुझे यहाँ पर पता चल गया, अगर कोई भी एलिमेंट, अगर मैं एक्स लेता हूँ, कोई भी एलिमेंट अगर ए सेट में बिलोंग करता है, ठीक तरह से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई भी एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करता है वो सेम एलिमेंट कभी भी ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर नॉर्मल ए सेट में देखो 2, 3, 4, 5 ये सब एलिमेंट्स बिलोंग करता है। अब मुझे ये बोलो 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग ये हमेशा ये याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट अगर नॉर्मल सेट में बिलोंग करता है वो सेम एलिमेंट कभी भी कॉम्प्लीमेंट सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो उसको अगर मैं वर्ड में एक्सप्रेस करूं, बोला जाता है ना अधूरा अधूरा है? एक क्लास में सपोज कंबाइंड क्लास है, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सॉरी बॉय स्टूडेंट्स हैं, है कंबाइंड क्लास है ना, तो बॉय स्टूडेंट्स भी रहेगा गर्ल्स स्टूडेंट भी रहेगा। अब सपोज सब गर्ल्स स्टूडेंट्स को मैंने क्लास के बाहर निकाल दिया, ठीक है, सिर्फ क्लास में जो है ना बॉय स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, दैट मीन्स मैं टीचर ऐसा बोलूंगा क्लास खाली खाली लग रहा है, हाँ, क्लास करने में मजा नहीं आ रहा है, क्लास खाली खाली लग रहा है। ठीक है ना, क्यों खाली खाली लग रहा है, दैट मीन्स अधूरा लग रहा है, दैट मीन्स एक कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है रे भाई, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, सब गर्ल स्टूडेंट्स को मैंने बाहर निकाल दिया है, इसलिए पूरा क्लास जो है ना खाली खाली लग रहा है कि नहीं। तो ये क्लास कब पूरा होगा, ये क्लास जो है ना कब भर्ती होगा, जब सब गर्ल स्टूडेंट्स को मैं फिर से क्लास में बुला लूं। तो दैट मीन्स यहां पर एक क्लास, इसमें जितना सारा स्टूडेंट्स हैं, बॉय स्टूडेंट्स गर्ल स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स को लेके अगर मैंने एक सेट बनाया और दूसरा सेट मैंने बनाया सब बॉय स्टूडेंट्स को लेके, ठीक है, तो मुझे बोलो बॉयज स्टूडेंट्स जितने हैं उसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, ऑल गर्ल स्टूडेंट्स, क्योंकि बॉय स्टूडेंट्स और गर्ल स्टूडेंट्स मिलके ही एक क्लास बनाता है, सिर्फ बॉय स्टूडेंट्स अगर मैं लूं क्लास फुलफिल नहीं होगा, सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स अगर लूं क्लास फुलफिल नहीं होगा, अगर दोनों बॉय स्टूडेंट्स और गर्ल स्टूडेंट्स क्लास में बैठ जाए तभी क्लास पूरा होता है। तो इसलिए बॉय स्टूडेंट्स और गर्ल स्टूडेंट्स एक दूसरे का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो यही चीज कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो है ना लाइन, ये जो लाइन, ये बहुत ही खतरनाक लाइन है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस पार्ट। अगर कोई भी एलिमेंट नॉर्मल सेट में बिलोंग करता है वो कॉम्प्लीमेंट सेट में कभी बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर मैं यहां पर शुरू करूं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट सेट में बिलोंग करता है इसका मतलब है वो नॉर्मल सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज अभी लिखा है देखो यहां पर, तो एक्स अगर यहां पर ए सेट में भी बिलोंग नहीं करता है, यूनियन मतलब और है, एक्स अगर बी सेट में भी बिलोंग नहीं करता है
एक्स जो है ना ए सेट में भी नहीं है, बी सेट में भी नहीं है, किसी सेट में नहीं है। सो दैट मीन्स ये जो एक्स एलिमेंट है यूनियन में भी नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा, मतलब कहां पर भी ये एक्स जो एलिमेंट है ना नहीं आएगा, क्योंकि एक्स है ही नहीं, ए सेट में है ही नहीं, बी सेट में है ही नहीं। सो दैट मीन्स इफ यू आर फाइंडिंग इंटरसेक्शन एंड द यूनियन ऑफ दिस टू सेट्स विल यू गेट दिस एक्स, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर यहां पर एक्स जो है ना ए सेट में बिलोंग नहीं करता है और बी सेट में भी बिलोंग नहीं करता है, तो मैं यहां पर और के जगह एंड बिठाऊं, क्या फर्क पड़ता है मुझे बोलो तो, क्या फर्क पड़ता है यहां पर? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पर एक्स जो है ना ए सेट में भी नहीं है, बी सेट में भी नहीं है। तो अगर यहां पर एंड हम लोगों ने यूज किया है, क्योंकि कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो और बिठाए एंड बिठाए सबका आंसर फाइव ही आएगा, कुछ नहीं आएगा ना। तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना उसको, ठीक है ना। अब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड को अगर मैं हटाऊं इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लो भाई तो आ गया। सो यहां पर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ये क्या होगा दिस, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब उल्टा प्रूफ में आएंगे, कन्वर्सली, कन्वर्सली आएंगे, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर ऐसा हो, ठीक है ना, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। अगर एक्स जो है ना ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली ए में बिलोंग नहीं करेगा, एंड एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब है क्या, बी में बिलोंग नहीं करेगा। फिर से वही केस आ गया भाई, दोनों में बिलोंग नहीं करता है। अब ए में एंड बिठाऊं और बिठाऊं, क्या फर्क पड़ता है यहां पर, है कि नहीं। सो दैट मीन्स हम लोग यहां पर और भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। सो दैट मीन्स एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए और मतलब यूनियन बी, ठीक। तो एक्स अगर ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या है रे भाई, कहां पर बिलोंग करता है, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंटरसेक्शन दिस सबसेट ऑफ दिस। नाउ कंबाइनिंग दिस टू, ये वन है और ये टू है, ये दोनों का कंबाइन करो, कंबाइनिंग दिस टू, दोनों को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, बस हो गया, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ भी प्रूव्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव्ड, ठीक है। और इसको देख के ही आप लोग ये वाला भी प्रूफ करेंगे, दैट मीन्स मुझे दिखाएंगे आप लोग करके सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी मुझे यूज मतलब डिस्कस करना था, और हम लोग जो है ना क्लास 11 का भी रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग शायद हर जगह क्लास शुरू हो गया होगा, तो हम लोग रेगुलर अपडेट देंगे रिगार्डिंग योर क्लासेस, ठीक है। लाइव क्लासेस भी होगा, क्लास 11 का लाइव क्लासेस भी होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा दैट द नोटिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस, बिफोर स्टार्टिंग द लाइव क्लासेस, ओके। सो जस्ट ट्राई टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स सर, ओके, एंड टू योर नेबर्स, टू योर क्लासमेट्स, व्हाटएवर, ओके, एंड टेल देम। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो, जस्ट इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, ओके। मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा साहस मिलता है मुझे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।